पैसों के विवाद को लेकर मकान मालिक ने लगाई किराएदार की दुकान में आग। तड़के सुबह पेट्रोल डालकर लगाई गई आग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अनलॉक में बढ़ रही हैं चोरियों की वारदातें। बढ़ती वारदातों से हैं ज्वेलर्स परेशान। का ग्राहक को सामान दिखाते समय लगता है डर। समझ में नहीं आता है ग्राहक है या है चोर। लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। अमर कॉलोनी में कच्चे घरों की रजिस्ट्रियां हुई शुरू। 500 से लेकर 3-4 हजार रुपए की जा रही है मकान की रजिस्ट्री। गीता कॉलोनी के 4 ब्लॉक में 1 पार्क को लेकर हुई मीटिंग। मीटिंग में उठा पार्क की बदहाल स्थिति का मुद्दा। विधायक ने दिया पार्क के सौंदर्यकरण का आश्वासन। और किसान बिल को लेकर पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने किया सभा का आयोजन। सभा में की किसानों से मुलाकात। बिल को बताया किसान का हितोषी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पैसों के विवाद को लेकर मकान मालिक ने अपने ही किराएदार की दुकान में आग लगा दी है। ये घटना तड़के सुबह शनिवार की है। पीड़ित को घटना के बारे में तब पता चला जब पड़ोसियों ने इस बारे में पीड़ित अभिषेक को जानकारी दी। पीड़ित ने बताया कि उसका मकान मालिक से पैसों को लेकर पिछले 1.5 साल से अनबन चल रही है, जिसके बाद आरोपी मकान मालिक ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। आग लगाने की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में इसकी FIR दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि कृष्णनगर थाने की पुलिस भी इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वो उसका परिवार 30 लाख के नुकसान के बाद सड़क में आ गया है। मेरा अपना मकान मालिक से पुराना डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन कल सुबह मुझे फ़ोन आता है कि आपकी दुकान पे आग लग गई। आग लगते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने मौके पे जाकर देखा मेरी पूरी दुकान में आग लग गई थी। पुलिस वाले आए हुए थे, फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आपकी दुकान में आग तो शॉर्ट सर्किट के चक्कर में लगी है। मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, मुझे संभावना नहीं थी कि शॉर्ट सर्किट के चक्कर में मेरी आग लग जाए। यहाँ पे इसने बहुतों का पैसे लेके खा रखा है। मेरा इसका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था पैसों को लेन देन पे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी, प्रशासन इसमें मिला हुआ इसके साथ। रात को इन पे जो जो धाराएं लगनी चाहिए थी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुई। उल्टा इन्हें रात को छोड़ दिया गया है। मेरा तो लगभग 31 लाख रुपये के आसपास का नुकसान हो चुका है। दुकान में सारा माल जल चुका है। जैसा कि आप देखेंगे मेरी दुकान में पूरी ठसाठस दुकान भरी हुई थी, और जो मेरे भाई कहते थे हिसाब किताब सब मेरा जल गया। और पिछले 1.5 साल से जो हमारा मकान में डिस्प्यूट चल रहा था लेन देन पे, तो बीच में कह रहा था दुकान खाली करो, तो हमने उसे पे सिक्योरिटी अमाउंट दे रखा था। वो कहने लगा मुझे कोई अमाउंट आपने नहीं दिया। फिर भी मैंने कहा चलो आपस में झगड़ा ना करें हम आपस में, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब हमारा अमाउंट आप दे दो, हम ये दुकान खाली कर देंगे आपकी। कहना तुमने कोई मेरे को पैसा ही नहीं दिया। एग्रीमेंट इसने हमें दिया नहीं, कराने के बावजूद जो है दुकान पर जाकर देखा तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, पुलिस वाले आए हुए थे। पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वालों आग बुझा चुके थे, वो पूरी दुकान में पानी पानी था। तो जब वहाँ CCTV कैमरे चेक करे, कैमरे चेक करने के बाद में एक कैमरे के अंदर सारे इसका वाकई मौका वारदात आ गई। इसमें दोनों ने प्री प्लान करके मेरी दुकान में आग लगाई है और बाकायदा दुकान की चाबी बनवाई है। कंप्यूटराइज ताले की चाबी बड़ी मुश्किल से बनती है। लॉकडाउन ने बहुत लोगों के रोजगार को छीन लिया। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। मजबूरन घर चलाने के लिए कई लोगों ने चोरी का रास्ता अपना लिया है, और वही मुख्य तौर पर चोरों के निशाने पर अक्सर ज्वेलर्स की शॉप हुआ करती है। इन बढ़ती चोरियों की वारदातों से खासतौर पर ज्वेलर्स बेहद परेशान हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि अनलॉक के साथ साथ दिल्ली NCR में चोरियों की वारदातें बढ़ गई हैं। वहीं अगर ताज़ा वारदात की बात की जाए तो गीता कॉलोनी स्थित बाबर शॉप की है, जहां एक लड़के और लड़की ने सामान देखने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये चोरी की पूरी वारदात वहाँ लगे CCTV में कैद हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए दुकानदारों के मन में डर बैठ गया है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आता दुकान में आने वाला ग्राहक चोर है या ग्राहक है। जब से ये लॉकडाउन हटा है तब से लोग बहुत खाली हो गए हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ज्वेलर्स की दुकान है। लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हम लोगों ने कृष्णा नगर में अपने सभी दुकानदार भाइयों को ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप लोग अनजान आदमी को सामान मत दिखाएं, ज़्यादा गोल्ड दुकान पे बाहर मत लगाएं, सब माल अलमारी के अंदर रखें। कस्टमर आए तो पहले उसे देखें, जानकार हो तो माल दिखाएं।
सभी दुकानदारों को कहा गया है कि अपने अपने गेट के ऊपर लॉक लगा के रखें। फिलहाल ही बब्बर ज्वेलर्स के यहाँ पे चोरी की वारदात हुई है, लेकिन ये इन्हें हैं गीता कॉलोनी में, तो ये वारदात बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। फिलहाल तो ज्वेलर्स तो अपने हिसाब से पूरी प्रिकॉशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नए नए तरीके से ढंग से वारदात करते हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के जाते हैं, और मतलब सामान दिखाने के बहाने आते हैं, और होटल भी लगा रखा है, कैमरे भी लगे हुए हैं। गीता कॉलोनी के चार ब्लॉक में स्थित एक पार्क को लेकर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर मीटिंग की। उस मीटिंग में पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर चर्चा की गई। लोगों का कहना है कि शाम होते ही पार्क में टहलना मुश्किल है। पार्कों की बाउंड्री इतनी छोटी है कि शाम होते ही कोई भी आकर महिलाओं के साथ छीना झपटी करने लग जाता है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। तो वहीं ना तो पार्क में लाइट्स का उचित प्रबंध है और ना ही सालों इसके लिए वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, जिसके बाद पार्क की बदहाली के मुद्दे को स्थानीय लोगों ने मिलकर इलाके के विधायक के पास समक्ष रखा। तो वहीं इस मामले में विधायक एस के बग्गा ने पार्क के सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया है। आपके सामने खड़ी हैं, जेंट्स भी खड़े हैं, RW के लोग, प्रधान, सभी पदाधिकारी खड़े हैं यहाँ पर। इतनी पार्क में दिक्कत है, पट्टी टूटी हुई पार्क की, लोग शराब पीते हैं शाम को यहाँ पर, तंग करते हैं लेडीज़ को। तो मैंने अभी SA साहब को फ़ोन किया है, आज से ही 2 बीट वाले यहाँ पर 8 से 10 तक ड्यूटी देंगे, जिससे लेडीज़ हमारी आराम से घूम सकें। पार्क बना किस लिए, अगर यूज़ नहीं होगा तो बेकार है इसके लिए। इसके और भी जो काम है, लाइटिंग के हैं, बेंचेज के हैं, सारे मैंने इनको प्रॉमिस नहीं किया, बल्कि कल परसों काम शुरू करने वाला हूँ। ये पार्क निगम के अंडर आता है, क्योंकि निगम पार्षद जो हैं उन पे तो वक्त ही नहीं है क्षेत्र में कार्य देखने का। चारों ओर निगम से पूछा जाए कि चारों ओर रहने वालों के घर के पास गंदगी, पार्क में इतनी गंदगी। इतने टाइम से हम लोग इन लोगों के MCD के दफ्तर के चक्कर, इधर उधर के चक्कर, हम लोग लगा के थक गए। इतनी एप्लीकेशंस डाली लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी हमने एक बहुत ही उम्मीद के साथ बग्गा जी के साथ में हम लोगों ने अपनी प्रार्थना डाली थी कि हमारे इस पार्क का थोड़ा कल्याण किया जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि बग्गा जी हमारी पूरी की पूरी सभी जरूरतों का पूरा पूर्ण करेंगे और बहुत ही जल्दी से जल्दी इन सबको संपूर्ण करेंगे। निगम पार्षद जो है, जब से इलेक्शन हुई है शक्ल नहीं देखी। हालांकि हमने उनको जीतने के बाद वेलकम किया, मीटिंगें 2 बुलाई, उसमें बुलाया और उनको यहाँ की समस्या बताई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फोन करो उठाते नहीं। इतना बुरा हाल है, खंबे के पिलर के ऊपर ऐसे मकड़ी जाल है। सीनियर सिटीजन रहते हैं, अगर रात के समय आग लग जाए तो हम भाग भी नहीं सकते, मेरे हस्बैंड इतने बीमार है। और गलियों में कुत्तों का इतना गंद, कूड़ा हर गली घर के आगे, और नालियों में पानी बाहर इतना भर है, कॉर्पोरेशन को कहो तो वो देखने ही नहीं आते। पैसे देने पड़ेंगे अगर आपके घर के आगे पानी भर गया है, गंद हो गया है, आप बाईचांस इमरजेंसी में आप उसको बुला के लाते हैं तो पहले कहते हैं हमें पैसे दो, हमारे हाथ गर्म करो, तभी हम सफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पूर्व दिल्ली के अमर कॉलोनी बसी झुग्गियों को भी अब उनके घरों के मालिकाना हक देने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए बेहद ही कम रेट्स पर उनके घरों की रजिस्ट्री दी जा रही है। 500 से लेकर 3-4 हज़ार रुपये में उन्हें उनके घर की रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं शहरी विकास मंत्रालय ने भी इस काम के लिए एजेंसियाँ नियुक्त की हैं। विश्वास नगर से विधायक OP शर्मा ने इस बारे में अधिक जानकारी दी है। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती हैं उन सबको पास कर दिया गया है। DDA के द्वारा बहुत नॉमिनल पैसे, 500 से लेकर 3-4 हज़ार रुपये तक उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक एजेंसी नियुक्त की है शहरी विकास मंत्रालय ने, जो सैटेलाइट के थ्रू उनकी झुग्गी की इमेज बना रही है। उसके लिए भी हमने 500 रुपया तय शहरी विकास मंत्रालय ने तय किया है, और ये होने के बाद में सबकी रजिस्ट्री कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के नाते हम कटिबद्ध हैं। देखिए, रजिस्ट्री का एक प्रोसेस है। सबसे पहले DDA का जो अपना नेपाली मंदिर के साथ जो अपना कार्यालय है, वहाँ लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, और मुझे लगता है कि 80% से ऊपर लोग, जो मेरी जानकारी है, वो अपना पैसा वहाँ जमा करा चुके। दिल्ली में तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। पिछले 2 सर्वे में जहाँ लोगों में कोरोना के रिकवर होने के बाद एंटीबॉडीज में इजाफा हुआ था, तो वहीं तीसरे में
ये कम हो गया। एंटीबॉडीज़ कम होने के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें 2-3 महीने से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं टिक रही है। नतीजा ये है कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उन्हें भी दोबारा कोरोना होने का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर गगन विहार के SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अधिक जानकारी दी है। डॉक्टर्स की सलाह है कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जो इन्फेक्शन एक बार ही हो जाता है उसकी कुछ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं आदमी के शरीर में, जो कि 90 डेज़ का उनका लाइफ स्पान है। 90 डेज़ के बाद वो इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये इन्फेक्शन हो सकता है। जो बड़े लोग हैं जिन मोर देन 65 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं, या जो टोबैको स्मोकिंग लेते हैं, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, जिनको स्टंट डले हुए हैं और जिनकी खून की कमी रहती है, उन्हीं लोगों में ज़्यादा हो रहा है। जो एल्डरली लोग हैं उनके अंदर एक बार कोरोना चला गया तो वो जो उनकी बॉडी जो फाइट करती है, जो यंग आदमी की फाइट करके उसको 10-15 दिन में ख़त्म कर दी, जैसे पहले हम बोलते थे 15 दिन के बाद दोबारा कोरोना नहीं होगा, तो पर जो एल्डरली लोग हैं उनको 3 महीने तक भी देखा गया कि वायरस उनके शरीर में पड़ा हुआ है। 3 महीने के बाद भी उनको इसलिए हो रही है इन्फेक्शन, एल्डरलीज को ज़्यादा हो रही है, यंग्स को कम हो रही है, तो उसके बॉडी के अंदर से निकला ही नहीं, और उसका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आता रहेगा आखिर तक। तो इसलिए जब भी उसका रेजिस्टेंस डाउन हुआ, जैसे उसने खाने पीने का एहतियात नहीं बरती और दूसरा ज़्यादा एग्जर्शन किया या किसी जगह ऐसा काम किया भी 24 घंटे 48 घंटे बिना रुके काम करता रहा, आराम करने को मिला नहीं, तो उसके अंदर ये पक्का हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। नए किसान बिल को लेकर पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप और तमाम बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर पुरानी सीमापुरी में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें कई किसानों के बिल से संबंधित फायदे गिनाए गए। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली समेत पूरे भारतवर्ष के किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का आगे आकर किसानों के साथ सभा कर बिल को किसान हितैषी बताना कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वार्ड में हमारे सांसद श्री गौतम गंभीर जी ने प्रवास किया, जहां उनका ग्रामीणों ने किसानों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपनी बात को किसानों के बीच में रखा, उन्होंने बताया कि जो कृषि बिल आया है इससे किसानों की आय दुगनी होने वाली है। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में जो बिचौलिए थे, 4-4, 5-5 बिचौलिए थे, वो खत्म कर दिए गए हैं। किसान जहां चाहे अपनी फसल को, अपने अनाज को, अपनी सब्जियों को, अपनी दालों को जहां चाहे बेच सकता है। निश्चित रूप से ये जो किसान बिल है ये जनता के हित में है, किसानों के हित में है। अभी तक जितना भी उन्हें बिचौलियों के लिए जितना उनको घेरा जाता था, परंतु अब कोई भी बिचौलिया कोई भी किसान को परेशान नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए लोन देने वालों को राहत दी है। अगर लॉकडाउन के कारण से लोग लोन जमा नहीं करा पाए हैं और उनका ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है, तो अब ऐसे लोग राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन पीरियड्स में ब्याज पर ब्याज लगने से छूट देने का फैसला किया है। तो वहीं अदालत ने कहा कि ब्याज पर जो छूट का खर्च है वो सरकार वहन सरकार करेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने आदेश जारी किया था कि लोग अपनी जो ब्याज पर उन्होंने बैंक से पैसा लेवा लोन लिया है उसको वो पे ना करें। 6 महीने तक छूट दी गई थी कि वो लोग उसका जो किस्त है उनको अदा ना करें और उसके बाद वो अदा करेंगे। इस दौरान लोगों ने किस्त पे नहीं करी, लेकिन बैंकों ने उस ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया। इस पे लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, काफ़ी सारी तारीखें पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को, RBI को और केंद्र सरकार को ये आदेश दिया कि इस बारे में वो एक बीच का रास्ता निकालें, क्योंकि अगर वो ब्याज ख़त्म करते हैं तो बैंकों का करोड़ों रुपये का नुकसान है, करीब बताते 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अगर वो ब्याज ख़त्म नहीं करते हैं तो वो 2 लाख करोड़ का बोझ आम जनता पर पड़ेगा, जो कि गरीब है, कर्जे पे ज़िंदगी जी रही है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।